गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो गाइस मैं आपके बीच में आ चुका हूँ अपनी नई बाइक स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक लेके। तो गाइस मैंने अभी रिसेंटली इसको बाय किया है, तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊँगा कि मैंने क्यों इसको लिया और इसके जो नए फीचर आए हैं स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक में इसके बारे में बताऊँगा और इसके इंजन के बारे में बताऊँगा और इसकी माइलेज के बारे में भी बताऊँगा आपको। तो चलते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। तो गाइस हम आप इसका आगे का व्यू दिखाते हैं कि कैसा दिख रही है बाइक आगे से। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट लुक है इसका, और साथ में जो पुरानी वाली स्प्लेंडर प्लस थी उसमें और इसमें क्या फ़र्क है तो मैं बताता हूँ आपको। ये इसमें जो चेंजिंग की है, इसमें पहले LED DRL नहीं होता था, तो इसमें LED DRL दे दिया गया है, जो कि ऐसे स्टार्ट जब हम चाबी ऑन करके जब सेल्फ पे स्टार्ट करते हैं तो इसमें जो इसकी लाइट है तब जगेगी। तो आप इसको मैं दिखाता हूँ आपको। तो अभी देख सकते हैं आप कि ऐसे स्टार्ट करने पे इसकी लाइट जलेगी, और साथ में इसके जो टायर दिए गए हैं आगे और पीछे दोनों के 8100 के टायर दिए गए हैं, और इसमें आपको ब्रेक जो मिलेगी वो क्या ब्रेक होगी, कम ब्रेक मिलेगी। और इसका जो इंजन है वो 97.2 cc का एयर कूल इंजन आपको मिलेगा, और इसमें जो कलर के 4 वैरायटी आपको कलर की मिल जाएंगी। इसमें जो मैंने चूज़ की थी वो ये थी ब्लैक में सिल्वर कोटिंग। तो आप देख सकते हैं इसका साइड से लुक, और साथ में ये किसी को पीछे बैठने में जैसे लेडीज वगैरह पीछे बैठेगी उसके लिए सीट उनके पैर रखने के लिए फुट रेस्ट दे दिया गया है। और साथ में जो इसमें जो इंडिकेटर थे इसमें भी थोड़ा सा कलर का चेंज नहीं किया, बाकी वैसे का वैसा ही है। इसमें पहले येलो कलर में आती थी और अब व्हाइट में कर दी है। और पीछे से इसका अभी देख सकते हो आप, पीछे में आपको वैसे का वैसे ही लुक सेम स्प्लेंडर जो पुराने वाली है सेम वैसे ही मिलेगा। और साथ में इसका जो एग्जॉस्ट है वो एग्जॉस्ट आप देख सकते हो कितना लंबा इसका एग्जॉस्ट दिया गया है, और इसमें एग्जॉस्ट में कवर दिया गया है इसके साथ ही। और साथ में इसको इसमें आपको एक किक स्टार्ट भी मिल जाएगा और सेल्फ स्टार्ट भी मिल जाएगा। और गाइस इसमें जो नया फीचर हो रहा है वो है I3S, जो कि इसको ऑन करने का ये फ़ायदा है, जब भी आप जैसे ट्रैफिक में कहीं रुके हैं तो उधर कुछ ही टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक आपकी बंद हो जाएगी। इससे आपका माइलेज भी देगी बाइक, और जब भी आप स्टार्ट करोगे तो इसका क्लच छोड़ के एक्सीलेटर दे के वो ऑटोमेटिक आगे चलेगी, तो इससे आपको बेनिफिट मिलेगा। और साथ में इसका जो सबसे बेटर जो फीचर दिया गया है वो है इसका जो फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है, क्योंकि पीछे जो पुरानी बाइक है उसमें आपको एंटी क्लॉकवाइज मीटर मिलेगा, और इसमें जो मीटर दिया गया है जो कि फुल्ली डिजिटल मीटर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं इसका जो मीटर कंसोल है वो इसमें जैसे यहाँ पे आपको स्पीड बताएगी कितने की आप स्पीड पे जा रहे हैं उसके बारे में बताएगा, और ये आपको किलोमीटर जो लिखे हैं इसमें आपको बताएगा कि कितने का माइलेज दे रही है। इसमें माइलेज इंडिकेटर भी दिया गया है, साथ में फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है, फ्यूल के बारे में बताएगा कि टैंक में कितना फ्यूल है। और साथ में ये साइड स्टैंड का है, जब भी आप बाइक को स्टार्ट करेंगे तो स्टैंड आपको अप करना पड़ेगा। और इंडिकेटर का भी है इसमें हीरो की बैचिंग, तो आप देख सकते हैं जो टेडी में हीरो की बैचिंग लिखी है, और यहाँ पे भी स्प्लेंडर प्लस एक्सटेक लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, और ये I3S की यहाँ पे सामने देख सकते हैं इसकी बैचिंग मिलती है। और इसमें जो पीछे का है वो देख सकते हैं मेटल का है, कुछ स्ट्रॉन्ग है। गाइस इसकी एग्जॉस्ट साउंड बताते हैं अब आपको। अभी हम चलते हैं और इसको चला के दिखाते हैं कि कैसे चलेगी। तो गाइस कैसी लगी आपको ये मेरी नई बाइक, और अगर अच्छी लगी हो तो कृपया करके कमेंट मैं जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको बाइक। और इसी तरह आपको बाइक के रिलेटेड मोटो ब्लॉग देखने को मिलेंगे मेरे चैनल इस चैनल पे, और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें।
तो गाइज अपने भाई का सपोर्ट जरूर करें, और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और चैनल को